डायरिया, लूज मोशन, पतली टट्टी या कोई भी तरह से इसका नाम बताएं, आजकल बहुत कॉमन है और हर के लाइफ में 10-15 बार हो ही जाता है। बहुत लूज मोशन हो रहा है, चाहे वो गलत खाने खाने के वजह से हो या वो कोई दवाई का असर हो या टेंशन से भी लूज मोशंस होती हैं बहुत सारे लोगों को। तो ये जब लूज मोशन होती है तो हम लोग डॉक्टर्स लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दे देते हैं कुछ मोशन बंद करने का टैबलेट और कुछ एंटीबायोटिक दे देते हैं, अगर बहुत ख़राब केस हो तो फिर फ्लूइड चला देते हैं और उसका एंटीबायोटिक का कोर्स चलता रहता है। बट इससे अच्छा है कि आप घरेलू ट्रीटमेंट लें। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ घरेलू ट्रीटमेंट क्या होता है लूज मोशन का, पतली लैटरिन होने का। तो इसको हम आपको समझाना चाहते हैं क्या करना चाहिए। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बताऊं, मैं एक बार कलकत्ता एयरपोर्ट में उतरा और मेरे को टाइम था, कोई पिकअप करने आने वाले थे और मैंने वहाँ पे सैंडविच खा ली और सैंडविच उनका 2-4 दिन पुराना रखा होगा, मेरे को गर्म करके दे दिया और उसके बाद मेरे को लूज़ मोशन चालू हो गई। मुझे याद है उस वक़्त मैंने कम से कम 25 बॉटल फ्लूइड लिया अपने ऊपर, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स लिए और उसके बाद मैं 2 दिन बाद ठीक हुआ। और सेम चीज़ मेरे साथ हुआ, नेपाल गया था मैं और नेपाल में जाके सेम टू सेम लूज़ मोशन हुई, मालूम नहीं बाहर का खाया ही होगा पक्का। तो वहाँ पे हमारे 2 डॉक्टर थे नेचुरोपैथी वाले, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप एक बार मेरे पे छोड़ दो, मैं बोला चलो आप कर लो। और उन्होंने क्या क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे मेरी लूज़ मोशन उसके बाद एक बार भी नहीं हुई। मेरा नेक्स्ट दिन क्लास था, मेरे को ये वरी था कि अगर लूज़ मोशन वैसे का वैसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। और मैं आपको बताऊँ लूज़ मोशन 6 घंटे के अंदर सारा ख़त्म। उन्होंने क्या क्या किया मैं पहले बताऊं, पहले उन्होंने हमको कोल्ड एनेमा दिया, एनेमा का वो लिया, पॉट लिया, उसमें ठंडा पानी एकदम बर्फ़ वाला ठंडा पानी डाला और वो एनेमा जाके हमारे रेक्टम में जो इंटेस्टिन का लास्ट पार्ट है कोलोन में, वहाँ पे सारे में वेसो कंस्ट्रिक्शन करा दिया और लूज़ मोशन इमीडिएटली बंद। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट था लूज़ मोशन का, बहुत सीवियर केसेस में दिया जा सकता है। उन्होंने मेरे को खाने के लिए दिया बॉयल्ड एप्पल, 3-4 बॉयल्ड एप्पल काट दिया, उसमें नमक डाल डाल के मैं खाता गया और वो बॉयल्ड एप्पल में पेक्टिन होता है जो हमारे इंटेस्टिन की सारे मूवमेंट को कम कर देता है और उसमें बहुत हाई फाइबर, सोल्यूबल फाइबर होता है, उससे हमें फ़ायदा था। उसके बाद उन्होंने खाने के लिए मुझे दही और कर्ड दिया और उसके साथ केला भी खा सकते थे ये बताया। एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको बताऊं जादू की तरह काम किया, उसके बाद मेरी लूज़ मोशन हुई नहीं और मैं नेक्स्ट डे आराम से सारा क्लास किया। तो मेरे को लगा कि मैं इतने एंटीबायोटिक, इतनी बॉटल फ्लूइड लेने के अच्छा तो यही है। और उसके बाद से मैंने कभी भी लूज़ मोशन हुई है, मैंने बुलाया मेरी वाइफ को कि एक काम करो मेरे को 2-4 एप्पल दे दो बॉयल कर करके, और वो खाता रहा और मेरा एकदम लूज़ मोशन हर बार ठीक हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा अगर आपका लूज़ मोशन के संग वॉमिटिंग नहीं है तो बहुत सारा ओरल फ्लूइड लीजिए। ओरल फ्लूइड में नींबू, चीनी, नमक, ये 3 मिला लीजिए, इसको घरेलू ORS बोलते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड को ये आप ज़रूर लीजिए और उसके साथ कोशिश करिए मीठी लस्सी, मीठी छात, याद रखिए जो हमारे इंटेस्टिन में लैक्टोबैसिलस है जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, उसको हम लोग बढ़ाना होता है तो उससे लूज़ मोशन बंद हो जाती है। तो इसके लिए आप मीठी लस्सी ज़रूर ले सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं लूज़ मोशन को बंद करने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो चुकी है तो आप इमीडिएटली कोल्ड एनेमा लीजिए और एप्पल को बॉयल कर करके 2-3-4 जितना भूख लगे उसको लीजिए और नमक डाल डाल के लीजिए और कर्ड और दही लीजिए और आप देखेंगे लूज़ मोशन छूमतदर हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर करिए। और एंटीबायोटिक और मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही है लास्ट के लिए, बट मैं देखा हूँ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और शेयर करना चालू रखिए हमारे इस वीडियो को। मैं जानता हूँ लूज़ मोशन सबके घर पे होता है और घरेलू इलाज सबसे बढ़िया होता है, तो इसको आप ज़रूर करवाइए। वैसे मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ मैं बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के। एज अ हॉबी मैं हेल्थ एजुकेशन करता हूँ और आपको हर दिन नया नया वीडियो सुनाता हूँ। पर कभी कोई हार्ट का मरीज ऐसा हो जिनको बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है, फिर दोबारा करने बोला गया, तो उनको ज़रूर हमारे वीडियो सुनाइए एंड दे विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच।